हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन में जो व्हाट्सअप एप्लीकेशन होती है उसमें जो कन्वर्सेशन करते हैं उस टाइम पे जो सामने वाले पर्सन के पास से मैसेज आते हैं उस टाइम भी आपके डिवाइस में पुश नोटिफिकेशन आता है और जो नोटिफिकेशन की आवाज़ भी आती है। लेकिन अगर आप चाहें तो कोई पर्सन, एक पर्सन, दो पर्सन या तो भी सारे पर्सन को आप कन्वर्सेशन जो है उसे म्यूट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली म्यूट करने से होगा क्या कि आप उस पर्सन के मैसेज तो रिसीव कर पाएंगे, लेकिन जब भी उस पर्सन से मैसेज आएगा तो उस टाइम पे आपको उसका पुश नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और साइलेंटली वो मैसेज आपके व्हाट्सअप अकाउंट के अनदर वो कन्वर्सेशन में आ जाएगा एज ए अनरीड। वो रीड नहीं हो जाएगा, अनरीड ही आएगा और बाद में आप व्हाट्सअप ओपन करके वो मैसेज पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि WhatsApp के थ्रू जब भी किसी पर्सन का मैसेज आता है तो आपके डिवाइस में ऐसा एक नोटिफिकेशन आता है और साथ में जो टोन्स वगैरह, रिंगटोन्स वगैरह होता है उसके हिसाब से आवाज़ भी आती है। लेकिन अगर आप चाहे तो किसी एक पर्सन का जो नोटिफिकेशन वगैरह जो है उसे आप म्यूट कर सकते हैं, यानी जब भी आप किसी मीटिंग वगैरह में बैठे हो और बार बार उसके मैसेज वगैरह आते रहे, आप उसके मैसेज तो रिसीव करना चाहते हैं लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वो आप रिसीव करना नहीं चाहते, यानी आप उसे म्यूट, साइलेंटली रिसीव करना चाहते हैं, तो आप कैसे उसे म्यूट कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है व्हाट्सएप में और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है, मुझे इस पर्सन का 3 नोटिफिकेशन मिल गया। अगर मैं मीटिंग में बैठा होता तो बार बार ये इसके नोटिफिकेशन आते रहते और टिंग 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 वगैरह मैसेज होकर वो मुझे डिस्टर्बेंस होता रहे। लेकिन मैं अगर इसके मैसेज तो रिसीव करना चाहता हूँ लेकिन मुझे वो साइलेंटली रिसीव करना है तो मुझे इस पर्सन के जो कन्वर्सेशन है उसे म्यूट करना होगा, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सिंपली मुझे जो पर्सन है कन्वर्सेशन उसे स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद यहाँ से मोर का ऑप्शन है। ये स्पेसिफिकली मैं आईफोन के रिस्पेक्ट में बताने जा रहा हूँ, एंड्रॉयड में शायद ये मेथड कोई डिफरेंट भी हो। यहाँ से मोर ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें से मुझे ऑप्शन करना चूज़ करना है म्यूट। अगर मैं म्यूट चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि कितनी देर तक म्यूट करना है, 8 आवर्स, 1 वीक, 1 ईयर। जैसे मैंने 8 आवर्स कर दिया तो 8 घंटे तक ये जो नोटिफिकेशन है वो म्यूट हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर मुझे ये पर्सन के थ्रू फिर से कोई नोटिफिकेशन यानी कोई मैसेज आया व्हाट्सएप के थ्रू तो मुझे उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा लेकिन साइलेंटली मैं वो मैसेज रिसीव कर लूँगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 का इंडिकेशन तो मुझे मिल गया लेकिन मेरे जो डिवाइस के अंदर जो पहले पुश नोटिफिकेशन वगैरह आते थे वो वगैरह आने बंद हो गए। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 हो गए, यानी 2 मैसेज आ गए। तो अगर मैं मीटिंग वगैरह में हूँ तो इस पर्सन के थ्रू मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये अभी जो कन्वर्सेशन है वो पूरा साइलेंट है और यहाँ पे 2 यानी 2 जो मैसेज, 100 मैसेज है, अंदर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 200 मैसेज। तो ये साइलेंटली नोटिफिकेशन आप कैसे रिसीव कर सकते हैं? तो जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि जैसे ही मैंने वो कन्वर्सेशन देख लिया तो रीड का जो फ्लैग है वो चला गया। तो ऐसे आप कोई भी कन्वर्सेशन को साइलेंट कर सकते हैं ताकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह उसके थ्रू मिले वो आप साइलेंटली मैसेज रिसीव कर सके लेकिन नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको अपने डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।